देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री लगातार चर्चा में बने रहते हैं। उनकी तारीफ सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है, लगातार कुछ न कुछ लोग लिखते रहते हैं। कल सीएससी भियली के साथ टॉक टू डीसी कार्यक्रम था। डीसी ने सभी भियली के साथ भियली की जो समस्या है उसको सुनने के लिए टॉक टू डीसी कार्यक्रम रखा था, जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या झार सेवा की आईडी को लेकर के आया था। तमाम सीएससी भियली ने यही कंप्लेन किया था कि हम लोग लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन सब काम करते हुए सिर्फ जाति आवासीय आय का काम नहीं कर पाते हैं, झार सेवा का आईडी हम लोगों के पास नहीं है। जिसके बाद देवघर उपायुक्त ने आदेश दिया था कि दो दिन के अंदर सभी जो एक्टिव भियली हैं उसे झार सेवा का आईडी दिया जाए। हालांकि एक दो पुराने भियली थे जो इनका विरोध कर रहे थे कि हम लोग वर्षों से ये काम कर रहे हैं और गली मोहल्ले हर जगह झार सेवा का आईडी मिल जाएगा तो कैसे काम होगा। हालांकि उसे लताड़ते हुए देवघर उपायुक्त ने उसे जवाब दिया था और कहा था कि जो काम करने वाले हैं उसे हम आईडी देंगे। हालांकि जो बंदा ये बात बोल रहा था कि हम लोग लगातार पंचायत भवन में 12 साल से 15 साल से बैठ रहे हैं, वो उस दिन टॉक टू डीसी कार्यक्रम में पलंग पर बैठे हुए थे घर में। उस चीज़ को देवघर उपायुक्त ने भली भांति समझते हुए आदेश दिया था कि दो दिन के अंदर सभी सीएससी भियली जो एक्टिव भियली हैं उसे झार सेवा का आईडी दिया जाए और वो जाति आवासीय आय का काम कर सके। और आज सभी को झार सेवा का आईडी मिल गया है, सभी लोग काफ़ी खुश हैं और सीएससी भियली लोग जम करके देवघर उपायुक्त की तारीफ कर रहे हैं। टॉक टू डीसी कार्यक्रम में ये मुद्दा उठा था कि हम लोगों को झार सेवा का आईडी दिया जाए और सभी सीएससी भियली जिनका भी कई महीनों से फाइल पेंडिंग में पड़ा हुआ था, रखा हुआ था झार सेवा के आईडी के लिए, उन सभी का आईडी आज जनरेट हो गया है। आईडी जो है सारे प्रज्ञा केंद्र जो एक्टिव है वो सबको दिया जाएगा। नेक्स्ट सर, हम लोग ब्लॉक मधुपुर से पंचायत सर, हाँ सर, हम अभी पंचायत में है सर, हम लोग पंचायत में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम भी किए हैं, श्रम कार्ड और आयुष्मान भारत भी काम किए हम लोग, जो कि हम लोग को हमारा पंचायत में की एक भी छात्र सेवा आईडी नहीं है सर। हमारा मधुपुर खंड पंचायत में कहीं नहीं है, पूरा की टाउन में कई फिर जाति वासी का जो आईडी है वो टाउन में है, हमारा पंचायत में नहीं है। वही चाहते कि हम लोग को एक छात्र सेवा आईडी मिल जाए। मिल जाएगा, ठीक। शाहबाज अंसारी जी सर, सर हम भी यही बात बोलने वाले हैं सर कि हम पालोजरी प्रखंड पंचायत से बात कर रहे हैं सर। झार सेवा का आईडी जो है हम लोग का पूरा पंचायत में नहीं है सर, क्योंकि बहुत कठिनाई होती है। दिस मस्ट बी रिजॉल्व्ड, मुकेश एंड सीएससी मैनेजर डीआईओ किसी भी हालत में, ठीक। आईडी जो है सारे प्रज्ञा केंद्र जो एक्टिव है वो सबको दिया जाएगा। नेक्स्ट सर, हम लोग ब्लॉक मधुपुर से पंचायत सर, हाँ सर, हम अभी पंचायत में है सर, हम लोग पंचायत में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम भी किए हैं, श्रम कार्ड और आयुष्मान भारत भी काम किए हैं हम लोग, जो कि हम लोग को हमारा पंचायत में की एक भी छात्र सेवा आईडी नहीं है सर। हमारा मधुपुर खंड पंचायत में कहीं नहीं है, पूरा की टाउन में कई फिर जाति वासी का जो आईडी है वो टाउन में है, हमारा पंचायत में नहीं है। वही चाहते कि हम लोग को एक छात्र सेवा आईडी मिल जाए। मिल जाएगा, ठीक। अंसारी जी सर, सर हम भी यही बात बोलने वाले हैं सर कि हम पालोजरी प्रखंड से बात कर रहे हैं सर। झार सेवा का जो है हम लोग का पूरा पंचायत में नहीं है सर, क्योंकि बहुत कठिनाई होती है। दिस मस्ट बी रिजॉल्व्ड, मुकेश एंड सीएससी मैनेजर डीआईओ किसी भी हालत में, ठीक। नो टॉलरेंस ऑन दिस। नेक्स्ट, मिथिलेश ओझा बल्दा जूरी जी, प्रणाम सर। सर जहाँ तक हम लोग सर दूर से दूर गांव में पंचायत भवन जो है एक गांव में बसा हुआ है सर, और हम लोग पंचायत भवन में लगभग 10 साल से बैठे हुए हैं, सिर्फ कुछ आवाज लिए हैं जिसको हम इसमें हम लोगों को झार सेवा आईडी मिला। अभी चौक चौराहों पर सीएससी आईडी